मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज बनाएंगे पालक, बथुआ और चना, तीनों मिक्स साग। चलिए इसका तरीका देखते हैं। साग को अच्छी तरह धो लेंगे, धो करके उसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद पसूल से छोटा छोटा काट लेंगे। पसूल हो या चाकू, किसी भी चीज़ से उसको छोटा छोटा काट लेंगे। अब देखिए इस तरह काटेंगे। अब देखिए साग कट चुका है। अब चलिए इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी वो भी देख लीजिए। मिर्च, हींग, लहसुन, कटा हुआ साग। चलिए अब बनाने का तरीका देखते हैं। कढ़ाई में तेल डालेंगे 2 चम्मच, बड़े चम्मच से। उसमें लहसुन डालेंगे, मिर्च डालेंगे, हींग डालेंगे। उसको लाल पक जाने के बाद थोड़ा चला के देख लेंगे, पक चुका है। अब उसमें साग डाल देंगे। साग डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, ऊपर नीचे अच्छी तरह से। अब देखिए मिल चुका है। इसमें नमक डाल देंगे। नमक डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिला करके अब इसको ढक देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से उसको कूच कूच, पूरा एकदम बढ़िया से उसको कलछुल से उसको दबा दबा के खूब चलाएंगे, उसको रगड़ रगड़ के, जब तक कि उसका पानी पूरा सूख न जाए और तेल न दिखने लगे। तब तक खूब उसको चला चला के चलाते रहेंगे, बीच बीच में ढक के चलाते रहेंगे, जब तक कि वो मुलायम न हो जाए। अब देखिए ये साग बन चुका है, पानी पूरा सूख चुका है। अब ये देखिए मुलायम साग तैयार है। अब देखिए ये तेल दिखने लगा है इसमें। अब चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए ये साग बन के तैयार है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए।